हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिजर्वायर प्लानिंग के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जिनका कल पेपर है WRE का एंड BE स्टूडेंट्स जिनका पेपर है इरिगेशन का, जिनको बहुत ही ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। आप इसका क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं स्क्रीन से। क्या लिखा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, फिक्स द फुल रिजर्वायर लेवल एंड द टॉप डैम लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहला उसने जो दिया है डेड स्टोरेज का लेवल उसने दिया। वी हैव बीन गिवन द डेड स्टोरेज लेवल, डेड स्टोरेज लेवल कितना दिया? डेड स्टोरेज का लेवल है 112 मीटर का। अब डेड स्टोरेज का आपको लेवल दिया है तो आप वहां से डेड स्टोरेज निकाल लो कि कितना क्यूबिक मीटर डेड स्टोरेज है वहां पर। तो डेड स्टोरेज विल कैलकुलेट डेड स्टोरेज। तो डेड स्टोरेज 112 के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी आपको मिल रही है, 112 मीटर के RL पे जो आपको कैपेसिटी मिल रही है वो मिल रही है 1000 की। तो यहां पे मेरा डेड स्टोरेज कितना मिल गया? वो मिल गया 1000 क्यूबिक मीटर का, 1000 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, उसके साथ साथ क्या दिया? क्रॉप वाटर का रिक्वायरमेंट है 8500, मतलब जो क्रॉप वाटर क्रॉप के लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो है 8500 मीटर क्यूब। उसके बाद उसमें लॉसेस भी आपको काउंट करने हैं। तो अगर आपको लाइव स्टोरेज निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द लाइव स्टोरेज, तो वो क्या होगा? वो होगा क्रॉप वाटर का रिक्वायरमेंट। दिस इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट प्लस प्लस जो भी उसके लॉसेस है वो आपको ऐड करने पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉप वाटर का रिक्वायरमेंट में है 8500 प्लस लॉसेस कितना है? 1500 क्यूबिक मीटर है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10000 क्यूबिक मीटर। तो आपका जो लाइव स्टोरेज है LS वो आ रहा है 10000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे ग्रॉस स्टोरेज। विल फाइंड द ग्रॉस स्टोरेज। ग्रॉस स्टोरेज क्या होता है? वो होता है डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज। डेड प्लस लाइव स्टोरेज होता है आपका डेड स्टोरेज, ओ ग्रॉस स्टोरेज। तो ग्रॉस स्टोरेज को मैं GS बोलता हूँ। या अगर डेड स्टोरेज वो मैंने निकाला वहां से टेबल में से, दैट वॉज 1000 क्यूबिक मीटर एंड लाइव स्टोरेज कितना है? 10000 क्यूबिक मीटर। ये हो जाएगा अपना 11000 क्यूबिक मीटर। तो वी हैव फाउंड द ग्रॉस स्टोरेज एज 10000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब ग्रॉस स्टोरेज के करेस्पॉन्डिंग जो अपने को RL मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं फुल रिजर्वायर लेवल। तो क्या लिख लो? दिस कैपेसिटी corresponds to full reservoir level। इसका आपको मिलता है full reservoir level। तो आपका gross storage कितना है और आपका FRL आपको निकालना है। तो gross storage आपका 11000, this is 11000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप 11000। अब चेक करो आपका 11000 किसके बीच में आ रहा है? जो आपको टेबल दिया हुआ है वो आ रहा है 9000 और 12000 के बीच में। तो यहाँ पे आप मार्किंग करो 9000 की, यहाँ पे आप मार्किंग करो 12000 की। 9000 पे कितना है? वो है 120 का RL, तो यहाँ लिखो 120। और 12000 पे कितना है? वो है 122 का RL। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका FRL निकाल लेंगे। इसको हमको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसको इंटरपोलेट करने के लिए इसको ए दबा ए लिखना, इसको बी लिखना, इसको सी, इसको डी और इसको ई लिख देना। ये वीडियो बी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या था? FRL इक्वल टू यहाँ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन सी माइनस ई इंटू डी माइनस ई।
एफ आर एल इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन सी माइनस सी इंटू डी माइनस ई। आपका ए मैंने लिया था 120, बी कितना है 122 माइनस 120 अपॉन 12,000 माइनस 9,000 करो इंटू 11,000 माइनस 9,000 कर लो, तो यहाँ से आपका एफ आर एल मिल जाएगा। तो चेक करते हैं एफ आर एल कितना रहा हमारा, 120 प्लस 122 माइनस 120 अपॉन 3,000 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्टली इंटू यहाँ आएगा 2,000, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 121.33 मीटर। तो माई फुल रिजर्वायर लेवल इज 121.33 मीटर। इसके बाद जैसे ही आपका फुल रिजर्वायर लेवल मिल गया आपको, तो अब आपको क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट फ्लड लेवल, एचएफएल बोलते हैं इसको, हाईएस्ट हाई फ्लड लेवल वो होता है फुल रिजर्वायर लेवल प्लस उसमें आपको फ्लड लिफ्ट को ऐड करना पड़ता है। तो ये आपका है 121.33 प्लस आपका फ्लड लिफ्ट कितना है, फ्लड लिफ्ट है 1.6 का, तो इसी में आप 1.6 ऐड कर लो, दिस इज 122.93 मीटर। तो आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल मिल जाएगा आपको 122.93 का फ्लड लेवल। अब अगर आपको निकालना है टॉप डैम लेवल, टीडीएल बोलते हैं इसको, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल में आपको फ्री बोर्ड अभी ऐड करना पड़ेगा, प्लस फ्री बोर्ड ऐड कर लो, तो 122.93 में आपका फ्री बोर्ड कितना है, फ्री बोर्ड है 1.6 का, तो यहाँ पे प्लस 1.6 कर देंगे, प्लस 1.6 नहीं, 1.6 नहीं है, आपका फ्री बोर्ड है 1.5 का, ओके दिस इज 1.5, तो इसमें 1.5 आपको ऐड करना है 122.93 में, तो ये आता है 124.43। यस दिस इज कमिंग आउट टू बी 124.43 मीटर। तो आपका टॉप डैम लेवल आ रहा है 124.43 मीटर। एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलिए ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिक्सिंग द रिजर्वायर लेवल। आप चाहो तो इसका फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपका डैम है, दिस इज द डैम, डैम का सबसे बॉटम का लेवल होता है डेड स्टोरेज लेवल, उसके ऊपर होता है फुल रिजर्वायर लेवल, उसके ऊपर होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड टॉप पे होता है टॉप डैम लेवल। इन सब के आप लेवल कॉपी कर सकते हो यहाँ पर, जो भी इसके आरएल है, इसका आरएल था 112, दिस वाज 112, हमने फुल रिजर्वायर लेवल निकाल लिया था ना 121.33, तो यहाँ लिखो 121.33, हाईएस्ट फ्लड लेवल है 122.493 और टॉप डैम लेवल कितना है 124.43 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, एमएसबीटी स्टूडेंट्स एंड जीपी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, फिक्स द कंट्रोल लेवल डीएसएल एफआरएल एचएफएल एंड टीबीएल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इफेक्टिव स्टोरेज कितना दिया आपने को, इफेक्टिव स्टोरेज वो दिया है अपने को 3000 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें जो आपको टेबल दिया ना, वो टेबल के बेसिस पे आपका जो स्टोरेज है वो लिखा है मिलियन मीटर क्यूब में। तो अगर आप हेक्टेयर मीटर को पहले ही मिलियन मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो 3000 हेक्टेयर मीटर, ये 3000 है, एक हेक्टेयर होता है 10^4 मीटर स्क्वायर और ये मीटर ऑलरेडी है, तो ये 30 लिखा, ये 120 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 10^6 मीटर क्यूब, यहाँ के 20 10^2 और ये 10^4 बन गया 10^6, और 10^6 क्या होता है, वो होता है मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है।
आपका इफेक्टिव स्टोरेज कितना है क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, वो है 30 मिलियन मीटर क्यूब। अब उसमें लॉसेस आपको दिए हुए हैं, कैरी और अलाउंसेस एंड लॉसेस, तो मैं आप सिर्फ लिख रहा हूँ लॉसेस। लॉसेस आपको लेने हैं 25% ऑफ 30 मिलियन मीटर क्यूब। तो 30 का 25% क्या होता है, वो होता है 7.5। तो 0.25 × 30 करूँगे, ये देगा 7.5 मिलियन मीटर क्यूब। तो वी कैन कैलकुलेट दी लाइव स्टोरेज, यहां से आप लाइव स्टोरेज निकाल सकते हो। इफेक्टिव स्टोरेज 30 का प्लस उसमें लॉसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो बन जाएगा 37.5 मिलियन मीटर क्यूब। यू गॉट द वैल्यू ऑफ लाइव स्टोरेज। अब आपको दिया है डेड स्टोरेज, वो दिया है 10% ऑफ द ग्रॉस स्टोरेज। तो आपको पता है ग्रॉस स्टोरेज क्या होता है, वो होता है डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज। तो ग्रॉस स्टोरेज को मैं जीएस बोल देता हूं अभी हाल फिलहाल के लिए, और डेड स्टोरेज कितना आपका 10% है, ये दिया है 10%, परसेंट मतलब अपॉन 100 इसका ग्रॉस स्टोरेज का दिया ना, यहाँ लिखा ना 10% ऑफ द ग्रॉस स्टोरेज, तो 10 upon 100 करो इनटू जीएस। प्लस आपका लाइव स्टोरेज कितना है, वो है 37.5 मिलियन मीटर क्यूब। तो ग्रॉस स्टोरेज इक्वल टू 0.1 ग्रॉस स्टोरेज प्लस 37.5, तो ग्रॉस स्टोरेज माइनस 0.1 ग्रॉस स्टोरेज इक्वल टू 37.5। दिस इज 0.9 times ग्रॉस स्टोरेज इक्वल टू 37.5। ग्रॉस स्टोरेज विल बी इक्वल टू 37.5 upon 0.9। तो चेक करेंगे कितना आता है, 37.5 upon 0.9, ये आएगा 41.66 मिलियन मीटर क्यूब। 41.66 आ गया, मिलियन मीटर क्यूब आ गया। तो ये आ गया आपका ग्रॉस स्टोरेज। अब आप डेड स्टोरेज का भी निकाल लो कैपेसिटी कितना रहा, वो है 10%, 10 upon 100 किसका, ग्रॉस स्टोरेज का, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। और ग्रॉस स्टोरेज कितना निकला अपना 41.66, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4.16 मिलियन मीटर क्यूब। एक बार मुझे इसकी कैपेसिटी मिल गई ना, तो इसका लेवल निकालना बहुत ईजी है। देखो डेड स्टोरेज का कैपेसिटी कितना आ रहा है, 4.16 आ रहा है, तो अपने पास जो टेबल दिया ना, तो ये डेड स्टोरेज हो गया और ये है उसका डेड स्टोरेज का लेवल जो कि हम निकालेंगे। अपना डेड स्टोरेज आ रहा है 4.16, चेक करो किसके बीच में आ रहा है, वो आ रहा है 3 और 6 के बीच में, सॉरी 3 और 4.5 के बीच में आ रहा ना, ठीक है। तो वो आ रहा है 3 और 4.5 के बीच में। डेड स्टोरेज कितना है, 4.16 मिलियन मीटर क्यूब है, तो यहाँ लिखा 4.16 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। आपका डीएसएल कितना दिया है, 3 पे दिया है 580, 4.5 पे दिया है 582, इस पे दिया है 580 और 582। यहाँ पे आपको डीएसएल निकल जाएगा यहाँ से, इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, सी डी और ये ई पकड़ लो। तो इसको आप इंटरपोलेशन लगा के सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो है 580 प्लस 582 माइनस 580 अपॉन 4.5 माइनस 3 इंटू 4.16 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कितना आता है, 580 प्लस 582 माइनस 82 अपॉन 1.5 इंटू कितना है, 4.16 माइनस 3, तो आएगा 2.16, ये आता है 582.88 मीटर। तो आपका डेड स्टोरेज का लेवल मिल गया 582.88 मीटर का। अब हम ग्रॉस स्टोरेज के करस्पॉन्डिंग फुल रिजर्वायर लेवल निकालेंगे। तो हमको मालूम है ग्रॉस स्टोरेज कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो लेवल मिलता है ना, आरएल मिलता है ना, उसको बोलते हैं फुल रिजर्वायर लेवल, ठीक है। तो अपना ग्रॉस स्टोरेज कितना रहा है, वो आ रहा है 41.66, ठीक है, इसके बीच में है, वो 40 और 650 के बीच में है। तो 40
मिलियन मीटर क्यूब और 50 मिलियन मीटर क्यूब के बीच में है, 41.66 मिलियन मीटर क्यूब। तो 40 का आप आरएल चेक करो कितना है, 40 का आरएल है 612 और 614, 612 मीटर और ये 614 मीटर। इस पे आपको एफआरएल निकालना है, तो मैं इसको वापस से इंटरपोलेट करूंगा और एफआरएल निकाल लूंगा। तो 612 प्लस 614 माइनस 612 अपॉन 50 माइनस 40 इंटू 41.66 माइनस 40 करेंगे तो यहां से आपको एफआरएल मिल जाएगा। तो 612 प्लस ब्रैकेट 2 बाय 10 इंटू 1.66 तो आता है 612.33 मीटर। तो आपका एफ आर एल मिल गया 612.33 मीटर। एक बार आपको एफ आर एल मिल गया तो आप निकाल सकते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल, वो होता है एफ आर एल प्लस फ्लड लिफ्ट। इसमें आप फ्लड लिफ्ट ऐड कर लो तो एफ आर एल है 612.33 प्लस आपका फ्लड लिफ्ट आपको दिया हुआ वो दिया है 1.5 मीटर का, तो दिस इज 1.5 मीटर। इसी में ऐड कर लो 1.5, ये आएगा 613.83 मीटर। अब निकाल लो लास्ट में टॉप डैम लेवल, वो होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस फ्री बोर्ड। हाईएस्ट फ्लड लेवल है 613.83 प्लस फ्री बोर्ड कितना अपना 2.5 मीटर का है, तो प्लस 2.5 ऐड कर लो। तो इसी में आप 2.5 ऐड कर लेंगे, ये आता है 616.332 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि डैम के पीछे जो भी आरएल मार्क किए होते हैं ना, जैसे कि पहला था डेड स्टोरेज लेवल, दूसरा है फुल रिजर्वायर लेवल, तीसरा है हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड चौथा है टॉप डैम लेवल, इन चारों को फिक्स करने का ये तरीका है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कंफर्म आपके एमएसबीटी एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही है 6 मार्क के लिए, तो इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।